और अब देश के दिल से नॉर्थ ईस्ट लिए चलते हैं। असम सरकार ने विधानसभा में 2 घंटे के जुमे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे नियम को असम में खत्म कर दिया गया और इसे लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। एसपी और आरजेडी ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया तो वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा सरमा अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन इस बार वो सरकार के फैसले को लेकर चर्चा में हैं। 2 दिन पहले ही असम से सीएम के मियां मुस्लिम वाले बयान पर विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक और धमाका कर दिया। सरकार ने मुस्लिमों से जुड़े 87 साल पुराने नियम को खत्म कर दिया। सीएम ने असम विधानसभा में 2 घंटे के जुम्मे के ब्रेक को खत्म कर दिया है, यानी अब असम विधानसभा से हेमंत सरकार का एक और फैसला। असम में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक खत्म। हर शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे तक होती थी छुट्टी। 87 साल पुराना नियम खत्म। अगले शुक्रवार से नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे पहले 90 साल पुराने मुस्लिम शादी और तलाक कानून पर असम सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इससे लेकर सियासी विवाद अभी थमा नहीं था कि सरकार के नए फैसले पर सियासत अब गर्मा चुकी है। जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है, तो समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी में मुसलमानों को टॉर्चर करने की रेस लगी है। जबकि असम में बीजेपी विधायक ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस और AIUDF को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। नमाज पढ़ने जा रहा आदमी कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा है। आपके सोचने का अंदाज देखिए क्या है। ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई रिचुअल फॉलो। इट इज अ बोल्ड डिसीजन फ्रॉम आवर साइड एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड The AUDF and Congress MLAs also should thank us. जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी के नियम को खत्म करने के पीछे सरकार का तर्क है कि ऐसी छुट्टियों को लेकर ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा में कोई नियम है। यही नहीं, दूसरे राज्यों की विधानसभा में भी ऐसे नियम नहीं है, लिहाजा असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अंग्रेजों के जमाने के नियम को समाप्त कर दिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।